3.5 question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. Length kitni hai 10 meter, width kitni hai 8 meter, height humne nikali hai, volume de rakha hai. Volume matlab capacity kitna usme fill kar sakte hain, wo hai 380 meter. Volume ka simple formula lagana hai L into V into H. Yahan par L aur V ki value kitni hai, idhar multiply bhi hai aur idhar aage isme lagayenge divide. Zero cancel ho jayegi, isi tarah 2 se ye cancel ho gaya 19 by 4. इसको कन्वर्ट किया तो यह 4.75 मीटर तो हाइट ऑफ द वेसल इज 4.75. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ. किसी भी डेप्थ दे रखे या उसकी हाइट दे रखी है. एल बी और एच तीनों की वैल्यू है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं. एम इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम के पीछे जो यूनिट है वो क्यूबिक यूनिट है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ डिगिंग गिवन है आपको 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है 30, तो 144 की कितनी हो जाएगी 30 इंटू 144 ये आ गया 4320. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ द वॉइडल पिट टैंक इज 50,000 लीटर्स. लीटर्स में दे रखा है जबकि आपको डायमेंशन मीटर में दे रखी है, तो जो आपका लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाता है 1/1000. मेजरमेंट भी लेना 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर क्यूब. तो 1000 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 50. यूनिट सेम होनी चाहिए नहीं तो क्वेश्चन में आंसर देना है. नेक्स्ट लेंथ दे रखी है 2.5, हाइट दे रखी है 10 मीटर, वॉल्यूम कितना आया था अभी 50. कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना सिंपल है. एल बी एच बी की वैल्यू निकाल के एल और एच की वैल्यू इधर डिवाइड कर चली जाएगी 25 बन जाएगा. ये 2.5 10 डेसिमल ए के साथ तो ये बन गया 25. ये हो गया 50/25 दैट इज सो ब्रेड ऑफ टैंक इज 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स वाटर पर हेड पर डे. टैंक की रिक्वायर टैंक की डायमेंशन दे रखी है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक दे दिया. इसने कहा पॉपुलेशन टोटल है 4000, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है पर हेड का मतलब एक सिंगल पीपल पर डे कितनी रिक्वायरमेंट है 150 लीटर. सिंगल पीपल को एक दिन के लिए वाटर कितना चाहिए 150 लीटर, तो 4000 को कितना चाहिए 4000 × 150. अब ये फिर लीटर में है और यहाँ मीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ गया आपका 600. अब उसने कहा कितने दिन तक वो वाटर टैंक वाला वाटर चलेगा, how many days will it last. तो आपको दिखाना है number of days निकालने, जब भी number of something निकालना है तो उस case में हम divide करते हैं. divide किसको करना है volume of tank divided by जितनी भी उसको requirement है, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 days, यानी जो water है वो कितने दिन तक चलेगा 3 days. next में क्या है हमारे पास, एक गोडाउन की measurement दे रखी है और वुडन प्लेट्स की मेजरमेंट्स दे रखी है. आपको ये बताना है कितनी वुडन प्लेट्स इस गोडाउन में रख सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन प्लेट्स निकालनी है. हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, सपोज ये रूम है इसमें कुछ रखना है आपको, ये देखना है कि कितना फिल कर सकते हैं इसको, तो इस पूरे रूम का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे सिंगल के वॉल्यूम से. तो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन प्लेट ये डिवाइड करना है, यहाँ से जो भी सोल्यूशन आएगा वो आपकी नंबर ऑफ वुडन प्लेट्स है. ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ समथिंग निकालते हैं नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वुडन प्लेट्स कितनी रख सकते हैं इस रूम में, तो वो कंप्लीट आंसर आएगा. क्लियर?